देखिए दोस्तों, ये जितने भी लोग हैं ना, ये IMPCL फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं। जो देखिए अभी जो ये रानीखेत रोड यानी कि रामनगर रोड जो रानीखेत से जोड़ती है, वो रोड के सामने में पुल था जो टूट चुका है। अभी देखिए जितने भी ये वर्कर हैं ना, यहाँ से निकल कर आ रहे हैं मुहान क्षेत्र से। अब इस नाले में को जाएंगे। देखिए ये, देखिए यहाँ से उतर कर यहाँ से ये पैदल जाके नाला क्रॉस करेंगे। देखिए आगे, देखिए क्रॉस कर रहे हैं। अब वो तो निकल भी गया। आओ देखिए दोस्तों, लगातार बारिश होने की वजह से देखिए सामने में मेरे शॉप के आगे से जो एक पेड़ था जामुन का, वो अभी गिर गया। देखिए और यहाँ सामने में ईंट पे ईंट भी टूट गए। ये काफ़ी बड़ा पेड़ था, ये एक साइड को झुका हुआ था। जैसे जैसे बारिश गिर रही थी वैसे वैसे इसकी जड़ें खाली हो रही थी। देखिए इसकी सारी जड़ें खाली हो चुकी हैं। देखिए दोस्तों, आगे से हवा चल रही है ना, तो वहाँ से बारिश और काले बादल निकल कर देखिए इस एरिया में को आ चुके हैं। देखिए काफ़ी तेज इस एरिया से उड़ रहे हैं, ये पहाड़ को जा रहे हैं। अभी देखिए यहाँ, देखिए और जो देखिए ना यहाँ, देखिए ये काफ़ी तेज इधर को आ रहा है, यानी कि मेरी ओर को आ रहा है, सुंदरखाल विलेज के लिए आ रहा है। देखिए कहीं ना कहीं रामनगर डिकली साइड में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए ये पूरा एरिया बारिश से इधर को आ रहा है। और देखिए जो हवा चल रही है ना, हवा से देखिए इस एरिया में आपको साफ पता चल रहा होगा कि देखिए किस तरीके से बादल उड़ के पहाड़ों को जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आधे घंटे के अंदर ये वहाँ से निकलकर पहाड़ों को, सारे बादल जो काले बादल हैं ये पहाड़ों को चले जाएंगे, और उसके बाद पहाड़ों में होगी बारिश और फिर आएगा नदी। जिस हिसाब से पहाड़ों में बारिश हुई ना, उस हिसाब से देखिए नदी का पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है। मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था कि अगर पहाड़ों में बरसातों में बारिश होगी तो सुंदरखाल विलेज काफ़ी ख़तरे में आ जाएगा। वही लक्षण आज देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि देखिए पानी, ये बरसात जो है ना शुरुआती बरसात है, देखिए शुरुआत में ही इतना हो चुका है, अभी तो काफ़ी समय है जो बरसात का है। तो उसमें देखिए क्या हाल कोसी रिवर का होता है और कुछ क्या हाल सुंदरखाल विलेज का होता है। ये पूरा गर्जे टेम्पल तक का समझ लीजिए बहा के लेके जा सकता है, अगर पानी का लेवल ऐसा ही रहा जब तो। देखिए दोस्तों, आज फिर से एक बार कोसी रिवर, और आज कोसी रिवर का जो लेवल है ना पानी का, वो कहीं ज़्यादा है। देखिए जो पहाड़ों में कंटिन्यू बारिश चल रही है ना, उस हिसाब से देखिए पानी का लेवल जो मैंने आपको पहली वीडियो दिखाई थी उस एरिया में, देखिए इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा सूखा हुआ था, यानी कि पानी कम था। और आज देखिए ये पूरा यहाँ कोना, देखिए और आगे देखिए उस एरिया तक का पूरा पानी चल रहा है, और आगे देखिए ये पूरा
जैसे कि देखिए, अगर पहाड़ों में आग लगी थी ना, तो पानी सारा निकल कर, देखिए ये सारी जली हुई लकड़ियां आ रही है, देख सकते हैं। ये देखिए, और कहीं ना कहीं देखिए अभी भी पानी का लेवल जो है ना बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से इस जगह पर कूड़े करकट बह के आ रहा है ना, देखिए पूरा ऐसा लगता है कि पानी अभी भी बढ़ रहा है, अपने साथ काफी ज्यादा कबाड़ बहा के लेके आ रहा है। देखिए देखिए अभी उस एरिया में काफी तेज बारिश हो ही रही है अभी भी। देखिए ये नैनीताल वाला एरिया आ गया, देख सकते हैं आप। इस एरिया में काफी ज्यादा पानी है अभी आगे, जो पहाड़ी के जस्ट नीचे उस जगह पर भी काफी तेज पानी है, तो देख सकते हैं पूरा जो पानी का लेवल है ना, हम गर्जे टेंपल पर जाके चेक करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें, अभी निकलते हैं हम गर्जे टेंपल। गर्जे टेंपल देखिए आगे ही है, तो वहाँ पे प्रॉपर इस पानी का लेवल का पता चल पाया कि कितना पानी आखिरकार पहाड़ से निकल के आ रहा है। दोस्तों अभी तक मैं था सुंदरखाल विलेज में, और वहाँ से निकलकर मैं आ चुका हूँ गर्जे टेंपल पर। आप देख सकते हैं जो पानी का फ्लो है वो प्रॉपर अभी आपको यहाँ पे पता लगेगा, क्योंकि जिस जगह पे मैं पहले वीडियो शूट कर रहा था वो एरिया दो जगहों में बटा हुआ पानी है। अब इसमें देखिए ये प्रॉपर तरीके से आपको दिख पाएगा इस एरिया में कि कितना पानी बह रहा है। और सामने में जो दुकानें हैं ना, अभी देख सकते हैं आप, ये दुकानें सारे बह चुकी हैं, और कुछ ही सामान जो है कि हाथ पे आया है उन्होंने आगे सामने में पुल में रखा है। देख सकते हैं ये पूरा पुल में अभी जिनकी दुकानें थी उन्होंने यहाँ पे रखा है ये सारा सामान। देखिए ये लकड़ियाँ वगैरह, कुर्सियाँ, टेबल, ढेर सारा सामान जो है कि ऊपर पुल में रखा है। ये पुल में पूरा सेफ है इनका जो भी सामान है, और जैसे कि प्रसादी वगैरह रहती हैं वो आधी तो बह गई हैं और आधी कलेक्ट कर ली उन्होंने। और देखिए नीचे ढेर सारा पानी है। अभी देखिए ये ना शुरुआत है, जो बारिश का मौसम हुआ है ये भी शुरुआत है, और अभी आगे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस जगह पे। गर्जा मंदिर एक प्रॉपर ऐसी जगह है जहाँ पे से आपको पूरा पानी का लेवल पता चल पाएगा। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अपनी शॉप पे। तो कई लोगों का मुझसे कहना है कि मनोज जी अभी तुम्हारी वीडियोस काफ़ी लेट हो रही हैं, तो मैं उन्हें बता दूं अभी तक जिम कॉर्बेट में यानी कि पूरा उत्तराखंड में 3-4 दिन हो गए कंटिन्यू बारिश से। तो बारिश तो एक नॉर्मल है कि यार बारिश तो हो ही रही है, लेकिन दिक्कत यहाँ है ना, दिक्कत सबसे बड़ी है कि पैनल जो मेरे पास सोलर पैनल हैं वो प्रॉपर बैटरियाँ चार्ज करके नहीं दे रही हैं। तो मोबाइल डेड है, 1 किलोमीटर आगे गया था फ़ोन चार्ज करके लेके आया हूँ, तब जाके आज मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो एक सब्सक्राइबर मिले थे मुझे मोहन में, तो उनका कहना था कि देखिए आप अगर सोलर पैनल यूज़ करें तो मोनोक्रिस्टल का यूज़ करो,
तो अभी मुझे उसकी ज़रूरत है, जब तक का ऐसे ही रहेगा 6 किलोमीटर आगे जाके फ़ोन चार्ज करने के लिए जाना पड़ेगा मुहान। तो दोस्तों आज की वीडियो भी यहीं समाप्त करते हैं। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लें। सुंदर खाल की हर अपडेट वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालता हूँ।